सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये तो मैंने गेमिंग चैनल के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं अपने अच्छा जैसे ना मेरे को शौक है ब्लॉगिंग का, और मैंने एक गेमिंग चैनल भी खोला है जो जिसको मेरा ब्लॉगिंग चैनल नहीं पता, तो मैं व्लॉग्स भी अपलोड करता हूँ। सो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो मैंने क्या सोचा, मैं ना गेमिंग और व्लॉगिंग को दोनों को मिला देता हूँ। मैं गेमिंग में भी व्लॉगिंग कर सकता हूँ। आई थिंक मैं माइकल बन के अपने लाइफ स्टाइल के बारे में आप लोगों को दिखाऊंगा। इसमें बहुत खूब मस्ती करेंगे, खूब नई नई कार्स लेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि इस पे इतना कुछ है दिखाने को और मज़ा भी बहुत आएगा। सो एक बार ये हम लोग ट्राई करेंगे। ये एक नई सीरीज़ में शुरू कर रहा हूँ, माइकल्स लाइफ स्टाइल। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज़ माइकल। हे भगवान, स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा है क्या कर रहा हूँ मैं। सो व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज़ माइकल। तो अभी आप जिसको शीशे में देख रहे हो मैं हूँ। तो ये रहा मैं। मैं आपको अपने लाइफ स्टाइल के बारे में पूरा दिखाऊंगा। सो पहले स्टार्ट करते हैं मेरे घर से। सो यहाँ गलत रूम से स्टार्ट कर लिया मैंने, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये है मेरा रूम, यहाँ पे मैं और मेरी वाइफ रहते हैं, एंड ये मेरा वार्डरोब। काम करते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं, गंदे भी हो गए हैं, मैंने काफ़ी टाइम से पहने हुए हैं। सो दिस दिस शादी में थोड़ी जा रहा हूँ। सो अभी एक नॉर्मल पोलो टी शर्ट में हम लोग रहते हैं। तो गाइस ये था मेरा रूम, इसका रूम टूर कभी अगर। और ये मेरी बेटी का रूम है, मैंने आपको शायद नहीं बताया, मेरे एक बेटी और एक बेटी है, जिसमें से एक का नाम जेमी है एंड एक का नाम ट्रेसी, और एक का नाम है ट्रेसी। सो ये रूम मेरे को भी नहीं पता, ये रूम आज तक लॉक है। सो इसके बाद अब चलते हैं नीचे। सो ये हमारा लिविंग एरिया है, ये मेरा टेलीविज़न है, और ये बैठी है मेरी फैमिली, जिनको मेरे से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी फैमिली को मैं जो कर रहा हूँ ये लोग अपने में बिल्कुल ही मस्त रहते हैं। ये मेरी बेटी है, ये ग्रीन ड्रेस वाली मेरी वाइफ है, एंड दिस इज़ माई सन। Before declaring yourself cured, can we just wait and make sure that you don't purge in the और bathroom? यहाँ पे मैं पीता हूँ अपना कड़वा सा करेले का जूस। जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। और ये है मेरा बहुत बड़ा सा टीवी, जहाँ पे मैं जिसमें न्यूज़ और एक एंटरटेनमेंट चैनल के अलावा कुछ भी नहीं आता है। यहाँ पे मैं बैठ के स्मोकिंग भी करता हूँ, स्मोकिंग करना बहुत बुरी बात है, इसलिए मैं करूँगा नहीं। People by dressing up as them and risking your life and future. They call lab coats as if they're facts. तो इसमें ये दो चैनल नहीं आते हैं बस, इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं आता है। कभी कभी इसकी जगह न्यूज़ आ जाती है, वो मैं देखता हूँ। Very good. Quota. Thank you, sir. I hope so इसमें कुछ है नहीं, तो यहाँ बैठने के लिए कुछ है नहीं। हम लोग यहाँ से जाते हैं, ये उठे। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, जो मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है। इसका रास्ता यहाँ से। सो 1 2 3 गो। ओह, ये दोनों मेरी पर्सनल फेवरेट कार और बाइक है। ये मुझे इससे तो ज़्यादा ही पसंद है, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को। सो गाइस आई थिंक आपको देख के पता ही चल गया होगा, लेकिन मैं आपको स्टिल बता देता हूँ। सो ये है गाइस ऑडी R8। वन सेकेंड, हाँ। सो गाइस ये है ऑडी R8, ये है 2020 मॉडल, ये मैंने अभी अभी रिसेंटली परचेज किए दो तीन दिन पहले। और ये है सुजुकी हायाबूसा 1300 GSX-R। सो जिन जिनको नहीं पता, ये बहुत ही फेमस बाइक है, ये वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस बाइक है, सुजुकी हायाबूसा। सो अब यहाँ से आपको मैं इन दोनों बाइक और कार्स का एक बारी दिखाता हूँ, उनकी टॉप स्पीड ये कैसे परफॉर्म करती हैं। सो एक सेकंड, मैं पहले इसको साइड कर दूँ, बट आई डोंट नो ये साइड कैसा होगा, मुझे इससे बचा के निकालना पड़ेगा। तो भाई ये है मेरे घर का बाहर का व्यू, मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आपको दिखूँ, ऊपर चढ़ सकता हूँ। हाँ, तो भाई ये है मेरा पूरा घर। आई नो पेंट बहुत पुराना हो गया, एक्चुअली घर बहुत ज़्यादा पुराना है। तो अब चलते हैं अपने गैराज की तरफ, आपको मैं दिखाता हूँ अपनी सारी की सारी कार्स और ये बाइक। तो गाइस फायर ब्रिगेड आ गई है, मेरी कार कर रहे हैं ये
I think, yeah. Okay. So guys, this car ki aap ek badi awaaz suno. Guys, this car ka interior itna pyara hai na. Mujhe iski awaaz itni zyada achhi lagti hai. Ab main aapko dikhata hu. Suno. Yani hai ki nahi badhiya. तो हम लोग यहाँ से जाएंगे, पहले मार्क करते हैं एयरपोर्ट. एयरपोर्ट में आपको उसका एक्चुअल स्पीड टेस्ट शो करूँगा. सो यहाँ से हमको ये पूरी रोड खाली मिल जाएगी, पूरा रनवे. सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ओके तो गाइस चलते हैं एयरपोर्ट पे. तो यहाँ से 2.38 माइल दूर है. किलोमीटर पता नहीं कितना होता है. तो ये जो कार है, इसका जो कलर है, ये मेरे को इतना ज़्यादा पसंद है. ये कलर, इसके एलॉयज, और ये ऑडी R8 स्पेशल, और इसकी आवाज़. मैं वेट नहीं करूँगा ट्रैफिक लाइट लाइट के लिए, मैं यहाँ से निकल जाऊँ. अच्छी गाड़ी है. ओके सो ये हेल्प का नहीं है, ये किसी और चीज़ का है. तो हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधा सीधा एयरपोर्ट. आराम से वहीं देख के तो इस जो मेरी कार पे आर्मर है वो है 100% का. सो अगर थोड़ी सी भी कार ठुक ठुक गई, फॉर एग्जांपल अगर ये एस मैं ठोकूंगा नहीं चलो, तो इसको ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि इस पर आर्मर है 100% का. तो भाई जिन जिनको ये कार पसंद आई, प्लीज़ एक बार ये लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये कार ख़रीदने में बहुत ज़्यादा मेहनत मेरी लगी है. सो चलते हैं सीधे एयरपोर्ट. अब बाकी बातें करेंगे वहाँ. यहाँ पे मैं फुल स्पीड में कार दौड़ाने वाला हूँ, पर रोड कहीं खाली नहीं मिल रही है. प्रॉब्लम इज दिस ओनली. चल ओ हाँ देखो, फॉर एग्जांपल ये मेरी कार ऐसे करके ठुकी, सो कुछ हुआ नहीं है, एक भी स्क्रैच तक नहीं आया. नहीं भाई, मेरे को यहाँ से जाना ही नहीं है. ओके सो आई थिंक वो रास्ता खाली मिला है मेरे को. मैं कार जंप कराऊँ या ना कराऊँ? ओके सो ये रहा वे. मैं कार जंप नहीं कराऊँगा, हम लोग यहाँ से ले लेंगे यू टर्न. सो ये रहा गेट, यहाँ से होगी हमारी एंट्री. अच्छा जी, मेरे को मना करेगा तू? अब देख बेटे, तू मेरे लिए खुद खुद गेट खोलेगा तू खुद. ये प्रॉपर्टी नहीं बेटे, यहीं खड़े खड़े खरीद लूँगा तेरी प्रॉपर्टी में. सो गाइस एक हैंगर मैंने खरीद लिया है. अब हैंगर खरीदा है, हैंगर होता है जहाँ पे प्लेन्स वगैरह पार्क होते हैं. सो हैंगर खरीद लिया है, तो आई थिंक मुझे प्लेन भी एक खरीद लेना चाहिए, क्योंकि एक प्लेन भी ज़रूरी है. ज़रूरी तो नहीं है लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है. सो गाइस जैसा कि आपने देखा, इस बंदे ने खुद मेरे लिए गेट खोल दिया है. हा, अब ये है कहाँ ये गार्ड? मुझे ये जानना है, मुझे गोली मारनी है उसे. चलो मैं था नहीं, बच गया.
सो गाइस हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट पे अब हम जाएंगे उस मार्कर पे। वो मार्कर मैंने कहाँ पे मार्क किया था, वो मार्कर था यहाँ पे। तो गाइस मेरा हैंगर जो है, मेरा हैंगर है ये, यहाँ पे मेरा प्लेन पार्क हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक काम करेंगे, हम लोग एक प्लेन खरीदेंगे, वो भी गोल्ड। तो गाइस चलते उस मार्कर पे और वहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी फुल स्पीड टेस्ट। तो यहीं पर मेरी कार हो चुकी है 200 ऑलमोस्ट, सो 180 200 तो एटलीस्ट जाएगी। Alright, so ये आ गया है मेरा। ओके, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस आई थिंक वी आर रेडी टू रोल। थ्री टू वन गो। ओके, सो 180 पहुंच चुकी है मेरी कार इस टाइम, और अभी वे आधा बचा हुआ है। 200 तो बहुत प्यार से छुएगी, बहुत प्यार से छू चुकी है। 1 हो चुकी है। ब्रेक्स, वाह। सो गाइस स्पीड मैंने एकदम नोटिस नहीं करी, तो जिसने नोटिस करी एक बार ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि टोटल स्पीड कितनी गई थी। सो ये थी टॉप स्पीड। अच्छा एक और चीज़ मैंने आपको आई थिंक नहीं बताई, सो इस कार में मैंने लगवाया है नाइट्रो। नॉस इस कार में फिट है। सो एक बारी नॉस के साथ ट्राई करते हैं कि कब कितनी जाएगी। हम लोग रनवे के हाफ तक पहुंच के नॉस को प्रेस कर देंगे। सो एक बारी वहां से भी ट्राई करते हैं। आवाज़ मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही है। ओके, सो नीचे बहुत सारा कचरा था, ये गार्बेज फैला रखा था लोगों ने। यार ऐसी जगह पे कूड़ा कौन फेंकता है। सो अब यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं विद नाइट्रो। 3 2 1 गो। तो मेरी मैप पे ध्यान रखना, मैं जस्ट हाफ पे नाइट्रो को प्रेस कर दूंगा। ओके, सो 1 2 3 नाइट्रो, और ये नाइट्रो लग चुका है। स्पीड का ध्यान रखना गाइस प्लीज, क्योंकि मेरे को ब्रेक मारने हैं। ब्रेक नहीं मारी तो कार ठुक जाएगी, और कार ठुक चुकी है। मैं कार से बाहर आ चुका हूँ। ओह माय गॉड गाइस, खून थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, फेस पे मेरे निशान भी आ गए, लेकिन मेरी कार सेफ है बिकॉज कार पे जो आर्मर है वो है 100%। तो स्पीड मैंने नहीं देखी, स्पीड मेरी कितनी आई थी बड़ी। अब स्पीड मेरे को ज़रूर से ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में नीचे। तो गाइस अब हम एक काम करते हैं, अब हम यहाँ से चलते हैं, और यहाँ से चल के हम उठाते हैं अपनी हायाबूसा। और हायाबूसा की जो राइड है वो मैं डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच सकती है। सो चलते हैं हायाबूसा के साथ, मिलते हैं यहाँ पे। ओके, सो गाइस आ चुका हूँ मैं अपने घर पे, और मैंने पार्क कर दी है अपनी ऑडी R8। सो गाइस ऑडी की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो एक्चुअली ऑडी नहीं होती, वो ऑडी होती है, थोड़ा सा ऑडी इसका, तो उसको प्रोनाउंस करते हैं ऑडी। एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन है ऑडी R8, सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता होगा स्टार्टिंग में, मेरे को भी लगा है थॉट गलत है, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज दिस ओनली। सो गाइस अब बारी आती है हायाबूसा की, और हायाबूसा की जो मैं आपको फुल स्पीड बताऊंगा कितनी है, इसको मैं विदाउट नाइट्रो बताऊंगा। नाइट्रो के साथ इसकी जो एक्चुअल स्पीड है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक बारी टेस्ट करेंगे। तो गाइस मैं पहले गाना बंद कर देता हूँ, मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी ड्राइव करते हुए सब सुनना, अगर ये सब कार्स या बाइक्स हो तो। तो गाइस मिलते हैं एयरपोर्ट पे डायरेक्टली, और उसी मार्कर पे जाएंगे जहाँ पे हमने कार से स्टार्ट की थी। सो गाइस आ चुके हैं हम लोग एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट पे मैं अपनी बाइक कर लेता हूँ सेट एकदम लास्ट तक। इसकी टॉप स्पीड हम लोग टेस्ट करेंगे विदाउट नाइट्रो, सो नाइट्रो के साथ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट। ऑलराइट गाइस, सो ये आ चुकी है मेरी हायाबूसा लाइन पे, लाइन के थोड़ा सा मैंने पीछे रखी है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसकी भी आवाज़ सुन लो, वॉज क्या गजब आवाज़ है इसकी। तो इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है एक्रोबोविक का, जो कि बहुत ही तेज साउंड करता है, और रेव बम्स भी दे रहा है। रेव बम्स देते हुए बैक फायर भी आ रही है। सी तो स्टार्ट करेंगे 3 2 1 गो।
भाई 150 ऑलरेडी आई थिंक मेरी बाइक पकड़ चुकी है। हाँ 160 170 180 भाई लास्ट की स्पीड आप लोग एक बारी नोटिस कर लेना क्योंकि मैं इतनी कर नहीं पाऊँगा। तो 200 आई थिंक चली जाएगी, 200 जाएगी जाएगी जाएगी। ओके तो 200 का ये जा चुकी है। सो यहाँ मैं लगाता हूँ ब्रेक। अरे यार मैं आई थिंक ब्रेक जल्दी लगा दी, काफ़ी आगे था हम पे भी चांस, यहाँ तक का चांस था हम पे भी। नहीं कुछ खास फर्क नहीं पड़ता तो राउंड फिगर कर लेते हैं 200। तो 200 किलोमीटर पर आ रही स्पीड एक्चुअली किलोमीटर पर आर में है। ओके तो ऐसे काम करते हैं, मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। मैंने भी इसको नाइट्रो के साथ कभी टेस्ट किया नहीं है, नाइट्रो के साथ भी एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या स्पीड इसकी जाती है। ऑलराइट गाइस, सो अब हम टेस्ट करने वाले हैं विद नाइट्रो। 3 2 1 गो। तो इससे मैंने जो नाइट्रो लिया है वो नाइट्रो मैंने तुरंत ही कर दिया है। ओ तेरी, सो गाइस 280 तो ऑलरेडी पहुंच चुकी है, आवाज़ अपने आप सुन सकते हो आप, स्पीड आ गई है इस पर कम से कम 450। ओ माय गॉड, होगा इसमें क्रैश आई थिंक, इसमें मेरे हुए हैं, इसमें तो डेथ ही हो जानी थी। लेकिन टच वुड हुई नहीं, मैं बच गया, बट मेरी बाइक मुझे कहीं भी दिखाई क्यों नहीं दे रही है। अरे मेरी बाइक में वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। सो गाइस ये रही मेरी बाइक, अब बाइक के पास मैं जाऊँ कहाँ से, इतनी दूर जाके गिरी है। ओह शिट गाइस, बाइक की तो ऐसी तैसी हो गई होगी। लेकिन आर्मर इससे भी 100% का ही था, बट इसमें मैकेनिकल का नहीं था, इसमें खाली लुक्स का था। पता नहीं भाई का क्या हाल हुआ होगा यार। ओ तेरी, ये ऐसे कैसे गिरी, उस पार जानी है। ओ बेड़े, ए भाई मेरी ना बाइक उधर, मेरी ना भाई बाइक उधर गई है, सो मैं वहाँ पे कैसे जाऊँ। नहीं बात करनी, जा मत कर, एटीट्यूड दे रहा है भूसा। मेरी वहाँ गिर गई है, मैं जाऊँ कैसे, मुझे यही समझ नहीं आ रही है। ओके तो आई थिंक ये गेट है। ओके सो ये रहा गेट, मैं गेट से आ चुका हूँ, हायाबूसा मेरे बिल्कुल सामने है। बस आई प्रे टू गॉड की बाइक मेरी बिल्कुल सही हो, काम कर रही हो, दैट्स इट, मुझे कुछ नहीं चाहिए और। ओके गाइस बाइक मेरी अभी भी काम कर रही है लकीली, सो अब इसको चलाएंगे थोड़ा सा ध्यान से हम लोग। तो गाइस मैं एक्चुअली आ गया था अपने घर पे फटाफट से क्योंकि कुछ काम मेरे को अर्जेंट याद आ गया था। सो अब हम लोग क्या करेंगे, तो गाइस ये रहा मेरा बेटा, ये इसकी साइकिल है और इनकी जो कॉस्ट है वो मैं आपको आराम से कभी और बताऊंगा क्योंकि इनकी एक्चुअल कॉस्ट से इनकी कॉस्ट थोड़ी ऊपर है क्योंकि ये कार्स या बाइक मॉडिफाइड है बिल्कुल। तो गाइस वापस आ चुका हूँ मैं अपने घर पे और मेरे सर पे लग चुकी है थोड़ी सी चोट। सो अब हम एक काम करेंगे, अब हम जो बाकी की चीज़ें हैं वो आपको दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉमिस एक प्लेन हम लोग खरीदेंगे। सो अभी के लिए ये वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। सो गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना ये वीडियो जिन जिन अपने गेमर्स भाइयों के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और आंटी तो मैं ये लगा लेता हूँ फर्स्ट एड किट, इससे आई थिंक ठीक हो जाना चाहिए। मैं थोड़ी देर देखने जा रहा हूँ टीवी, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।